आ दवाई खिलाई थी आज तृप्ति को? नहीं खिलाई थी ना सुबह में? नहीं खिलाई। तो जाने तो मत खिलाओ, आ जाओ, नहीं खिलाएगी। ओके, खांसी का दवाई खाएगी। ओके ओके, अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत रो मत रो मत रो मत रो। सुबह में ही खाए हुए हैं, अभी नहीं खिलाई। अभी नहीं खिलाई ना दोबारा? नहीं। तुम दवाई खाई थी क्या अपना टाइमली? अभी अरे नहीं खाई हूँ। आज नहीं खाई दवाई? नहीं। तो खा लेना ना, सुबह को नहीं खाए तो शाम को खा लेना। हाँ, कर क्या रहे तू उस रूम में? रे क्या करूंगी, खाना नहीं बनाना है। खाना पका रही है क्या? हाँ। क्या बना रही खाना में? कॉलीफ्लावर की सब्जी, रोटी। हाँ, भात। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको माला की दुनिया यूट्यूब चैनल में। आ चुका हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के। तो वीडियो में जो दोस्तों हमारा जो रियल लाइफ है ना, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तृप्ति बेटा, हाय कर दो बेटा। ये देखिए, ये बैठ के लैपटॉप में कृष्णा कार्टून देख रही है और माला जो है उस रूम में खाना पका रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माला कहाँ पे खाना पका रही है। तो एक बार हाय बोल दो जी फ्रेंड्स को, दिख रहे हो क्या? हाय, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे जो है ना देखिए, माला बना रही है फ्लावर आलू की सब्जी और आटा जो है ना गूंथ के इनका तैयार है। यह देखिए तैयार हो गया है, आटा गूंथ के तैयार हो गया है, ये देखिए क्या। तो आज हमारे घर में यही बनने वाला है। काफी दिनों से जो है ना चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरा भी तबियत और तृप्ति का ठीक नहीं थे और हस्बैंड जी अकेले ही सब करना पड़ता है कंपनी का। फिर तबियत ठीक नहीं रहेगा तो फिर घर में भी मदद करना पड़ता है। इस वजह से भी आपके साथ कोई ब्लॉग हम शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो सोचे कि आज के दिन जो है ना आपके साथ ब्लॉग शेयर किया जाए दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग अपने घर परिवार में कैसे हैं, सभी स्वस्थ हैं या नहीं, क्योंकि तो ठंडी का मौसम जो आ गया है दोस्तों, इस वजह से हाँ। तबीयत में थोड़ी परेशानी हो रही है। और माला का भी जो तबीयत खराब हुआ था ठंडी को ही लेकर हुआ था। सुबह सुबह ये जाती है घूमने के लिए, तो उस वजह से उसके पास जैकेट भी नहीं था, तो अभी जैकेट भी इसको ला दिया हूँ और अभी जैकेट पहन के जाते हैं घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। तो हम नहीं दिखाए है ना? नहीं दिखाइए। और ये देखिए इसको टी शर्ट भी ला दिया, क्योंकि वाकई सुबह सुबह जाते ना घूमने के लिए तो ड्रेस में अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इसको ट्रैक पैंट और ये और लिया है। शूज लाना है ना? हाँ, शूज लाना है तो भी लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है दोस्तों, खत्म हो गया है। इस वजह से इस महीने में थोड़ा मतलब खरीदी ज्यादा हो गया माला के लिए। जैकेट मिला हमको 1200 का और ये टी शर्ट और ये दोनों मिला के ये भी 1200 बोल रहा था, तो हमने उसको 1000 रुपये दिया है। तो इसलिए अभी नेक्स्ट टाइम शूज भी लेंगे, क्योंकि ठंडी का जो समय है ना, इस समय में घूमना चाहिए। और माला का थोड़ा तबियत हैवी हो रहा है, हैवी हो रहा है और कमर में मुझे दर्द हो रहा है। इसके लिए इसको बोला कि तुम सुबह सुबह जाके घूमोगी ना तो थोड़ा तबियत ठीक होगा, है कि नहीं? हाँ। तो आप लोग भी मतलब घूमिए, अपने स्वास्थ्य के लिए घूमना अच्छा रहता है, सेहत के लिए। और ये देखिए हमारा किचन का जो नजर है दोस्तों, कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं, इसे पहले भी तो शायद आपने देखा होगा। तो आज जो है ना किचन का टूर करवा रहे हैं आप सभी को हस्बैंड जी, किचन का टूर कर। चलिए इसको थोड़ा ले लेता हूँ कैमरा को आगे, फिर आपको किचन का टूर करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए माला किस तरीके से किचन में सारा सामान को रखी हुई है दोस्तों। चलिए हो गया सेट हमारा कैमरा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बेसन। हाँ। यहाँ पे बेसन कंपनी है ना, तो वो कंपनी में मतलब उसी कंपनी से ये बेसन हम लोग डायरेक्ट लाते हैं, बहुत ही ओरिजिनल बेसन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे तो यही सब रखा है, उतरुम खुतरुम जो भी रहता है मसाला सब नीचे में बर्तन है यही सब। और ये देखिए यहाँ पे सोयाबीन, यहाँ पे खुला सोयाबीन नहीं लाते हम लोग, पैकेट वाला सोयाबीन लाते हैं, बहुत मस्त लगता है खाने में। ये देखिए क्या है, मफलर बांधे हैं मफलर, हम कठंडी थोड़ी लगते हैं, मफलर भी बन जाएगा ये आपको देखने में कुरकुरे जैसा लगता है, लेकिन ये सोयाबीन है और बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट रहता है ये खाने में। एक एक बनाती हूँ, बहुत कम तो रहता है लेकिन टेस्टी लगता है। तो यही 10 रुपए का मिलता है। हम लोग की तरफ ये सोयाबीन मिलता है कि नहीं मिलता? क्या मिलता है? मिलता है, मिलता है ना? हाँ, लाते हैं घर। 10 रुपया का एक पैकेट मिलता है। और इस कोने में कुछ हमारा है सामान वामान, आपको दिखाऊं क्या फ्रेंड को? बहुत मेसी है, ठीक है दोनों दिखा देते ना फ्रेंड को। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे किचन के पीछे में जो है ना, यहाँ पे जो रूम मालिक है वो टॉयलेट के लिए स्पेस रखा हुआ है, लेकिन टॉयलेट यहाँ पर अभी बनाया हुआ है नहीं, तो इसलिए ऐसा खाली है। तो हमने यहाँ पे जगह मतलब इस जगह में जो हमारा बैकेट उकेट है जो भी मतलब
सामान हमेशा यूज करने वाला नहीं, उसको यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं। अभी जो टॉयलेट हम लोग का रूम से बाहर है, और ये रूम में इस ये जो रूम हम इसमें लिए, इसमें दो रूम है, तीन रूम है, एक सोने वाला, एक खाना बनाने वाला किचन, और वहाँ पर देखिए बाथरूम जहाँ पर भी माला गई है बर्तन धोने के लिए। तो आपको तो एक वीडियो में हमने दिखाया अभी, ताकि हमारे बाथरूम में जो दरवाजा नहीं, तो ये देखिए पर्दा से हम लोग इस तरीके से काम चलाते हैं। क्या दो रही है जी? इसमें चावल पकाना है मुझे। भात भी बनाएगी? हाँ, थोड़ा। आपको पता नहीं है। बना लो, भतरतिया खाने से पेट साफ रहता है। हाँ। है ना दोस्तों? हाँ। खाली रोटी रोटी खाने से नहीं, थोड़ा भात रोटी चावल और रोटी साथ में खाते तो थोड़ा संतुष्टि भी मिलती है और अच्छा भी लगता है, इसलिए बन जाता है हमारे घर में। अगर दोनों चीज सुबह को तो नहीं बनता, सुबह में तो सिर्फ भात ही बनता है, चावल ही बनता है, और रात के समय जो है ना रोटी चावल दोनों बनता है। तो आप लोग कैसे हैं, और जहाँ जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग के एरिया में कैसी ठंड है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए एक ग्लास चावल। तो अभी जो है महाराष्ट्र में ज्यादा मतलब रूम के अंदर तो ठंडी नहीं लगती दोस्तों, लेकिन रूम के बाहर रहेगा ना तो काफी ठंडी लगती है। रूम के अंदर कुछ ज्यादा ठंड नहीं है, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहने हुए, लेकिन जैसे रूम से बाहर दरवाजा खोलते तो हवा जब चलती है तो ठंडी लगने लगता है। तो रूम में पैक है ना सब कुछ, दरवाजा खिड़की सब बंद है, इस वजह से सारा खिड़की को हम बंद कर देते हैं। शाम होते ही हम लोग का आरती पूजा होता है, तो अभी टाइम हो गया है, कितना 8 बज गया है, 7:30 बजे तक हम लोग रूम को बंद कर देते ताकि हमारा रूम जो है गर्म रहे, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है तृप्ति, इस वजह से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का इजाज़त दीजिए, और मिलेंगे आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। बाय दोस्तों। बाय फ्रेंड्स।